नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका सिविल एग्जामिनेशन पॉइंट की शानदार सीरीज प्रहार में, जो कि टारगेट करती है एसएससी एग्जाम्स के मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन को। अभी हम सीजीएल 2021 के पीवाईक्यूज में डिस्कस कर रहे हैं और हमारा आज इस वीडियो से टॉपिक शुरू हो रहा है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर बार 3 या 2 क्वेश्चन तो आते ही एक सेप्ट में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम 11 अप्रैल 2022 को जो शिफ्ट वन हुई थी उसके जो 2 क्वेश्चन आए थे उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी के सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये सीरीज की कुछ विशेषताएं हैं, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन, बेस्ट अप्रोच, पीसीएस क्वेश्चन कवर, प्रैक्टिस सेशन, पीडीएफ आपको मिल जाती है, फुल कवरेज है, तो इसलिए सीरीज से जुड़ना है आपको। अब बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन की ओर बढ़ते ही आपका 5 सेकंड का समय शुरू होगा, जिसमें आप वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है। तो आशा करता हूं अब तक आपने सवाल को सॉल्व करने का एक प्रयास कर लिया होगा। अब देखते हैं सवाल को सॉल्व कैसे करना है। तो ये अलजेब्रा का एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, अब आइडेंटिटी कौन सी यूज होनी है इसमें, अगर आपने गिनती की जो 10-11 आइडेंटिटी है वो याद कर रखी है तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी कौन सी है, ये ए, जैसे कि जो भी आइडेंटिटी आपके सामने आती जाए अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो तुरंत आप याद करते चले जाइए। ठीक है, जैसे कि आज केवल आपको यही आइडेंटिटी याद करनी है। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें दिया क्या है यहाँ पर, यहाँ पर हमें a प्लस बी दिया है, यानी कि ये वाली चीज हमें ये दिया है, यानी कि ये वाली चीज भी दी है और इससे ये वाली चीज भी हो जाएगी। अब ये वाली चीज निकालनी है हमें। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है कि 4 चीजों की वैल्यू, मतलब कुछ चीजों की वैल्यू रखनी है, एक चीज बचेगी उसकी वैल्यू अपने आप निकल आएगी। अब x प्लस 6y की वैल्यू दी हमारे पास 8, उसका क्यूब कितना हो जाएगा 512। ठीक है, ऐसे आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, वहां पर आइडेंटिटी भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको आइडेंटिटी याद है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपन को निकालना है। ठीक है, तो उसको मान लो चाहे आप x, ठीक है, ये चीज की वैल्यू आपको निकालनी है, प्लस 3 रख दिया आपने। अब यहाँ पर सावधानी बरतनी है क्योंकि यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है। अब इन्होंने दिया ए बी, लेकिन हमारा ए क्या है, हमारा ए तो है एक्स, इसको कुछ और मान लेते हैं जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये मतलब का इसको मान लिया अपन ने आंसर। ठीक है, आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब a बराबर x और b बराबर क्या है आपका 6y। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, हमने देखा 3 और ए बी, यानी कि इन दोनों का गुणा, यानी कि इन दोनों का गुणा क्या होगा 6xy। हमें वैल्यू दी है एक्स वाई की 2, 6xy कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12। आई बात समझ में, यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं तो यहाँ पर अपन को सावधानी बरतनी है। और फिर a प्लस बी, ए प्लस बी क्या है हमारा, दिया है हमें x प्लस 6y = 8। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ बचा नहीं है सवाल में। 12 8 हमने देखिए गुणा करने का, अब देखा करिए 12 8 हमने कर दिया 96 और 96 तिया करेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं 270 और 6 3 18, यानी कि 288। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, 270 + 18 ये माइंड आप कर सकते हो, 288 आ गया। इसको आप वहाँ ले जाओगे तो 512 में से आपको 288 घटाना है। अब देखिए, ये 500 से कितना ज़्यादा है 12। ठीक है, ये 300 से कितना कम है 12। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो 12 12 24 में, अब ये 300 से केवल 500 की दूरी कितनी बची है 200, यानी कि 200 ये हो गया और इधर इस पर हमने निकाल लिया 24, तो 224 आ गया आपका आंसर। ठीक है, घटाना नहीं है सिर्फ 12 में से 8 गए 4, ऐसे नहीं करना, ऐसे तरीके से करना है जिससे कि मैडम जल्दी जल्दी सवालों को सॉल्व कर सके। तो ये आ गया आंसर 224। ठीक है, आशा करता हूँ सारी चीज़ें मैंने काफ़ी अच्छे से बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर आपने देख लिया था कि एक्स क्यूब प्लस 216y³ हमें निकालना है। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाला। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो वीडियो को दोबारा आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की ओर और
बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, जहाँ से हम कुछ और भी सीखेंगे, यानी कि वैल्यू पुटिंग भी सीखेंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन हमारा 11 अप्रैल 2022 का, और आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। ठीक है, तो करिए सॉल्व। तो आशा करता हूँ कि अब तक आपने सवाल को सॉल्व करने का एक बेस्ट ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, ये सवाल काफ़ी अच्छा है, इससे हम दो चीज़ें सीख सकते हैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। तसल्ली से अपने दिल को थाम लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है मुझे, तो आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही है। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल दिया है मैं कि एक दी इक्वेशन, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले तो मैं आपको बताऊँगा आइडेंटिटी से इसे कैसे सॉल्व करना है। तो हमने किया कि x, इसी को जो मैं लिख सकता हूँ ऐसे ही लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, कोई समस्या नहीं है, है ना। अब इसी का जब हम क्यूब करेंगे तो आइडेंटिटी जो अभी हमने पढ़ी थी पिछली क्वेश्चन में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू में माइनस थ्री था, तो इसका क्यूब हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, साइन वही का वही, और 3 का क्यूब 27। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। अब देखिए, x प्लस वाई का मान यहाँ पर मुझे दिया है माइनस तीन, तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जैसे ही मैं यहाँ पर माइनस तीन रखूँगा तो अब बताइए क्या होने वाला है। माइनस तीन रखा मैंने, तीन ये है, 3 त्रिका 9 और माइनस 9xy बन गया ये, है ना, इज इक्वल टू माइनस 27। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy प्लस 9 का वैल्यू बतानी है। अब इतनी चीज़ की वैल्यू, यानी कि इतनी चीज़ की जो वैल्यू अपने पास आ गई कितनी, माइनस 27, तो अपन पुट कर देंगे कि माइनस 27 पुट किया अपन ने, प्लस 9 और है इसमें, प्लस 9 लिखा, आंसर आ गया आपको -18। ठीक, ये तो आ गया आपका एक तरीके से आंसर, और काफ़ी सिंपल वे है, बहुत ज़्यादा अपन ने आइडेंटिटी नहीं लगाई, मतलब इजीली कर सकते हो आप, इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, ये स्टेप को स्किप कर सकते हो आप, डायरेक्ट ये लिखोगे और ये सॉल्व करोगे। ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ सीखने वाली है वो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन में तो उसका यूज़ ठीक है उतना ही है, वो चीज़ है वैल्यू पुटिंग। अब वैल्यू पुट कब की जाती है, कैसे की जाती है, ये हमें थोड़ा समझना होगा। ठीक, जब भी जितनी इक्वेशन दी है, इक्वेशन मतलब कि जहाँ पर आपको इक्वल का साइन दिखे, जितनी इक्वेशन दी है, यानी कि अगर आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी है, ठीक है, और वेरिएबल कितने हमारे पास, यानी कि जो वेरी कर सकते हैं, जो बदल सकते हैं, वो कितने हैं, 1 और 2, एक्स और वाई। जब भी इक्वेशन से ज़्यादा वेरिएबल्स की संख्या हो, यानी कि वेरिएबल्स ज़्यादा हों, तब हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। देखिए, अब यहाँ पर जब x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री दिया आपको, ये इक्वेशन दी है, केवल आपको यही बताया गया है उसके बारे में, कोई दूसरी इक्वेशन ही नहीं दी, तो अगर आप कैसे बता सकते हो कि x की वैल्यू यही तय है। ठीक है, तो आप x की वैल्यू कुछ भी मानिए, y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। ठीक है, मतलब एक सिस्टम में होनी चाहिए, इस इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए, तो अगर आप कोई भी एक मानोगे तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। और इसके लिए आपको सीधा से ये समझना कि एक इक्वेशन दी है, यानी कि इक्वेशन की संख्या अगर वेरिएबल से जितनी कम है, यानी कि अगर 3 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल है, तो आप एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हो। 2 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, तो आप 2 वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, बात क्लियर। अब देखिए, अब यहाँ पर अपन वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया आपको -3। ठीक है, आप किसी भी एक को 0 मान लीजिए, क्योंकि समस्या नहीं है, क्योंकि अपॉन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मान लिए मैंने x को 0 मान लिया, तो y मेरा कितना आ गया, -3। ठीक, अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करते चले आइए, किसमें, ये क्वेश्चन वाले में जो पूछा गया है। एक्स की वैल्यू आपने 0 रखी, ये टर्म हट गया, 0 रखी, ये टर्म हट गया, अब वाई क्यूब बचा है और 9 बचा है, वाई कितना है आपका, -3, -3 क्यूब कीजिए आप, -27 और +9 +9 18।
माइनस का, ठीक, आंसर आ गया फुर्ती से, ठीक है। और फुर्ती से ज्यादा जरूरी है कि आपने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीख लिया वैल्यू पुटिंग का। कई बार हम जानते हैं कि वैल्यू कैसे भी पुट कर दो, नहीं, उसके पीछे एक ये रीजन है, ठीक है, ये सिस्टम है, और ये सिस्टम के पीछे ये रीजन मैं आपको समझा चुका हूँ कि सिर्फ एक इक्वेशन दी है तो आप एक चीज की वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि आपको दो ढांचे नहीं दिए। अगर दो इक्वेशन दी होती तो आप बंद जाते, क्योंकि मान लीजिए आपको एक्स माइनस वाई की वैल्यू और कुछ दे देते तो आप बंद चुके हो, क्योंकि वैल्यू फिक्स है उनकी, ऐसे ही आप कुछ भी रख नहीं सकते, ठीक है। वैल्यू पुटिंग के बारे में मैंने यहाँ पर काफी अच्छे समझाने का एक अच्छा प्रयास किया है। बाकी हम इसको NMS जो कि नई सीरीज शुरू होने वाली है उसमें भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो। तो यहीं पर विदा लेते हैं, और ये रहा हमारा धन्यवाद का स्लाइड। और वीडियो का लाइक की, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही बहुत शानदार शानदार मैथ्स की वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और हमारी सीरीज चल रही है तीन, दो तीन, एक सुदर्शन, एक NMS और एक ये चली रही है प्रहार, प्लस हम करंट अफेयर्स की भी कुछ छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट करता रहेगा। तो धन्यवाद, बाय बाय, साइनिंग ऑफ अभिनेश।